जिला बार एसोसिएशन मुरादाबाद के सभागार में हिंदी दिवस समापन समारोह मुरादाबाद जिला हिंदी विधि प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश डॉक्टर अजय कुमार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुरादाबाद जिला हिंदी विधि प्रतिष्ठान के अध्यक्ष चौधरी अनिल पाल सिंह ने की तथा संचालन संस्था के महासचिव सरदार प्रकाश वीर सिंह ने किया। कार्यक्रम में अधिक से अधिक राष्ट्रभाषा हिंदी में कार्य करने के कारण निम्न न्यायिक अधिकारियों, जिसमें माननीय जनपद न्यायाधीश डॉक्टर अजय कुमार व अरविंद कुमार, अतिरिक्त जनपद न्यायाधीश प्रथम व सुनील कुमार, विशेष जनपद न्यायाधीश अनुसूचित जनजाति व सरोज कुमार यादव, अतिरिक्त न्यायाधीश तृतीय व वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर टंडन, अमीर उद्दीन व वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार गुप्ता, जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी को स्मृति चिन्ह व शॉल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनपद न्यायाधीश महोदय ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी में ही अधिक से अधिक कार्य किया जाए, और कहा मनुष्य सपने भी हिंदी में ही देखता है। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में हरप्रसाद, सुरेंद्र पाल सिंह, जयवीर सिंह, शेर सिंह, गोपाल कृष्ण, हर्षरूप सिंह, सोमपाल सिंह, ललित अरोड़ा, ध्रुव सक्सेना, गजराम सिंह, रागनी ठाकुर, एच जैदी, नीरज सोलंकी आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे। जो इंग्लिश में लिखा होता था उसका जब हिंदी अनुवाद करते हैं, उस एक पैरे का अनुवाद करने में 3-3 पैरे बनाने पड़ जाते, वो बात था। और काम करते करते हिंदी के इतने अभ्यस्त हो गए कि वो अब उसमें काम करने का मन नहीं करता। इसके पीछे वजह सपने भी तो हिंदी में ही आते हैं। मन में आज जिला बार में क्या कार्यक्रम है? आज जिला बार एसोसिएशन में हिंदी विधि प्रतिष्ठान के अंतर्गत जो हिंदी दिवस मनाया जाता है उसका समापन समारोह था। ये पूरा 15 दिन का कार्यक्रम था। इस 15 दिन में हिंदी के लिए जो भी भरसक प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे गोष्ठियां करना और लोगों को प्रेरित करना, स्कूलों में महाविद्यालयों में हिंदी पे विशेष जोर देने के लिए पत्राचार करना, ये सब कार्य जो है हमारी ये संस्था हिंदी विधि प्रतिष्ठान करती है। क्योंकि हम विधि से संबंधित ज़्यादा हैं, हमारा जो अधिकतम जोर है वो विधि प्रतिष्ठानों में हिंदी की अधिकता पर जोर है कि उसका उपयोग अधिक से अधिक हो। इसके लिए हमने अपने जनपद न्यायाधीश महोदय से भी अनुरोध किया था। और मुरादाबाद की जहाँ तक बात है, मुरादाबाद में सबसे ज़्यादा अन्य जिलों के मुकाबले यहाँ पे हिंदी में कार्य किया जाता है। हमारे न्यायिक अधिकारीगण व अधिवक्तागण बहुतायत में हिंदी में ही कार्य करते हैं, तो उसे देखते हुए हमारी एक कमेटी होती है। हम लोग न्यायिक अधिकारीगण जो हमारे आदेश पारित करते हैं, उन आदेशों की संकलन करके उन्हें देखने के बाद हमारी जो कमेटी है वो निर्णय लेती है कि हमारे किन अधिकारीगणों ने हिंदी के प्रोत्साहन के लिए विशेष कार्य किया है, उन्हें हम सम्मानित करें। तो इसी संदर्भ में आज हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हमारे जनपद के न्यायप्रिय लोकप्रिय हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय डॉक्टर अजय कुमार जी द्वितीय, जो हिंदी को बहुत ही अधिक प्रोत्साहन देते हैं, वो जो टर्म इंग्लिश वर्ड आता है, जैसे मेडिकल की भी भाषा है, उसे भी जो अपने ऑर्डर्स लिखवाते हैं, अपने आदेश लिखवाएंगे, उन आदेशों में उसे भी हिंदी में ही लिखवाते हैं। तो उसे पढ़ने में जो आम जन हैं, जब उनके पास वो आदेश की प्रति पहुंचती है तो वो पढ़ते हैं, तो वो उसे पढ़ सकते हैं क्योंकि हिंदी उनकी भाषा है। तो इसमें सर्वप्रथम हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय को हमने सम्मानित किया, हमारे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम श्री अरविंद कुमार जी, एवं दूसरे उस पर श्री सुनील कुमार जी, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अधिनियम और एडीजे 3 साहब श्री सरोज यादव जी। तो ये तो हमारे 4 अधिकारीगण थे
लेकिन और हमारे अधिवक्ता साथी अजय कुमार जी जो हमारे डीजीसी दीवानी के हैं उन्हें सम्मानित किया, अमीरुद्दीन वकील साहब को सम्मानित किया। इसमें से काट दी जहाँ वो तो बच्चों बन रही है उनके उनके नाम ना बनाओ चाहिए। नाम राव जी को जनपद न्यायाधीश को साथ में आए उनके अधीनस्थों को सम्मान किया गया। चलो चलो ये कर दे दिल्ली हमारे जनपद न्यायाधीश। आज फिर क्या कार्यक्रम हुआ? आज जिला बार एसोसिएशन में हिंदी बिजली प्रतिष्ठान की ओर से हिंदी दिवस प्रोग्राम का जो समापन समारोह था वो किया गया और जितने सम्मानित पदाधिकारी थे न्यायपालिका के वकील लोगों को उनको सम्मान किया गया और जिलावार क्योंकि हर वर्षों से ये हिंदी बिजली प्रतिष्ठान में न्यायपालिका के अधिकारियों को वकीलों को सम्मानित करते चले आ रही है जो हिंदी में काम करते हैं उस संबंध में आज हिंदी का समापन समारोह किया गया। जय हिंद जय भारत जी। आज दिनांक 30 सितंबर 2022 को हिंदी विधि प्रतिष्ठान के माध्यम से पुरस्कार वितरण समारोह मनाया जा रहा है जिसकी सह संयोजक संस्था जिला बार एसोसिएशन मुरादाबाद है। इसमें जनपद न्यायाधीश श्री अजय कुमार द्वितीय तथा अन्य न्यायिक अधिकारीगण को सम्मानित किया गया तथा हिंदी के